हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्वी ऑटो कार में। दोस्तों, क्या आप लोग 2023 में एक ब्रांड न्यू एसयूवी लेने का सोच रहे हैं जिसकी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो, प्रीमियम इंटीरियर हो एंड जो एक्सटीरियर हो वो आपको बोर्ड लुकिंग के साथ में देखने को मिले एंड साथ ही साथ उसके अंदर आपको सभी फीचर्स स्पेसिफिकेशंस न्यूली देखने को मिल जाए, वो भी बहुत ही प्रीमियम से। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूं निसान की तरफ से लॉन्च होने वाली निसान मैग्नाइट एंड ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वो है एक्सवी रेड एडिशन का वेरिएंट, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस कार के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है एंड इस कार को एशियाई एनकैप की तरफ से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी प्रोवाइड है। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज दिखाने वाला हूं एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस कार की चाबी से, जो कि आपको रिमोट की के साथ में ऑफर की जाती है। कुछ इस प्रकार की ही निसान की ब्रांडिंग है, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट की है एंड थोड़ी प्रीमियम सी लगती है देखने पर। एंड अब बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल लुक के बारे में, जो कि आपको पूरा बोल्ड लुक के साथ में देखने को मिल जाएगा। निसान का लोगो देखने को मिल जाता है एंड पूरी ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि है डोमिनेटिंग फ्रंट ग्रिल एंड ये आपको बहुत ही प्रीमियम से देखने को मिल जाएगी एंड थोड़ी सी रेड फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये रेड एडिशन की कार है एंड यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रिल के सराउंडिंग में यूज़ किया गया, जिससे बहुत ही प्रीमियम से लुक आता है देखने पर। नीचे देखेंगे नंबर प्लेट का स्पेस है एंड उसके नीचे आपको फिर से रेड कलर की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, जो कि स्किड प्लेट के साथ में यूज़ की गई है एंड ये सिल्वर स्किड प्लेट है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है देखने पर। एंड अब चलते हैं इस कार के हेडलाइट की तरफ। तो यहाँ पर आपको पूरा हेलोजन बेस हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है, बहुत ही ब्राइट है। विजिबिलिटी भी आपको नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी से देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बेस ही देखने को मिलते हैं। नीचे आपको LED DRL देखने को मिल जाएगा विद क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में, जो कि L शेप में यूज़ किया गया है एंड यहाँ पर ट्विन हुक का ऑप्शन है। नीचे आपको फॉग लैंप भी देखने को मिलते हैं, जो कि हेलोजन बेस है एंड सराउंडिंग में मैट ब्लैक फिनिशिंग को यूज़ किया गया है। तो अब चलते हैं बोनेट एरिया के ऊपर साइड में। यहाँ पर आपको डुअल मैट ब्लैक फिनिशिंग के वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। वॉशर्स का भी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, डुअल्स यूज़ किए गए हैं। बोनेट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का बोनेट है, जिसके ऊपर आपको डुअल डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्रंट का प्रोफाइल आता है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार की फ्रंट से चौड़ाई बता दूं, जो कि है 1758 mm की। अच्छी खासी आपको विड्थ देखने को मिल जाती है, एक बेहतर रोड प्रेजेंस के साथ में आती है एंड कार बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जब ये रोड पर चलती है। तो चलिए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से भी आपको बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिल जाएंगे, पूरे ग्राफिक्स भी यूज़ किए गए हैं इस रेड एडिशन के साथ में। फेंडर पे आप देखेंगे तो मैग्नाइट रेड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये रेड एडिशन का मॉडल है तो यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल ही जाएगी प्रीमियम सी। एंड नीचे आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ में आते हैं C8 के, जिनका फ्रंट का टायर साइज है 195/60R 16 इंचेस के। डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं, निसान की बैजिंग है। एंड जो कैलिपर है डिस वाले, वो भी आपको रेड फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाएंगे। टायर की प्रोफाइल बहुत ही प्रीमियम सी है एंड व्हील्स के ऊपर से आपको साइड क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इस कार के 360 व्यू में यूज़ की गई है। रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लैडिंग के ऊपर यूज़ किए गए हैं। एंड अब चलते हैं रूफ की तरफ। तो ए ब्लेयर आप देखेंगे पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। एंड एक बार मैं आपको रूफ दिखा दूँ तो कुछ ऐसी आपको रूफ देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको लगेज के लिए इंस्टॉलर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है, जिसका प्राइस मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। एंड रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आती हैं, बहुत ही स्पोर्टी लग रही है देखने पर। ORVM की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में ORVM ऑफर किए जाते हैं, जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में है। LED 10 इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एंड विंडो पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेड एडिशन में यूज़ किए गए हैं, जिससे बहुत ही प्रीमियम से लुक आ रहा है देखने पर। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी साइड वाली एंड सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आती है। नीचे स्किप भी यूज़ की गई है रेड एडिशन की। एंड जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर का बटन यूज़ किया गया है। बी ब्लर भी आपको पूरे मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है, क्वार्टर विंडो एरिया देखने को मिल जाएगा एंड पूरे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, निसान की बैजिंग है एंड जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने पर। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको पूरा साइड का प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मस्कुलर सा है। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार के डायमेंशन बता दूं तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3994 mm की हाइट है, 1572 mm की व्हील बेस, 2500 mm का है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 205 mm का। अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, कंफर्टेबली आप इस कार को कहीं पर भी राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। एंड अब आते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर से भी आपको बहुत ही मस्कुलर से स्पोर्टी से लुक देखने को मिल जाएंगे इस एसयूवी के साथ में। रूफ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, रूफ पर पूरी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी, स्पॉइलर बॉडी कलर यूज़ किया गया है एंड जो हाइमोस स्टॉप लैंप है वो भी आपको LED देखने को मिल जाएगा। वॉशर का प्लेसमेंट है, डिफॉगर का पूरा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा एंड रियर साइड में भी आपको वाइपर देखने को मिल जाता है। निसान का लोगो यूज़ किया गया है एंड पूरी क्रोम स्ट्रिप यूज़ की गई है रेयर प्रोफाइल में भी, जो कि बहुत ही प्रीमियम सी है। मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिलती है 3D क्रोम फिनिशिंग में।
एंड जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो आपको LED देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी देखने को मिलती है नाइट के टाइम पर, एंड बहुत ही अच्छा लुक आता है देखने पर। एंड नीचे साइड अगर देखेंगे तो रियर का पूरा बम्पर एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में यूज़ किया गया है। एंड इसी के ऊपर आपको रिवर पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे 4। एंड नीचे आप देखेंगे इसकी प्लेट भी आपको देखने को मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आती है। नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा, एंड रियर का कैमरा भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, प्लेसमेंट यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं डुअल। एंड एक बार मैं आपको पूरी रियर की प्रोफाइल दिखा दूँ नीचे से, तो पूरी आपको पूरी कवरिंग देखने को मिलती है, कहीं पर भी आपको खुला एरिया देखने को नहीं मिलेगा, पूरा कवरिंग किया गया है। एंड एक बार मैं आपको बोनेट ओपन करके इस कार का बूट स्पेस भी दिखा दूं, तो यहीं पे आपको बटन मिल जाएगा, प्रेस करेंगे बोनेट ओपन हो जाएगा। एंड जो बोनेट की कैपेसिटी है वो है 336 लीटर की, अच्छी खासी आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप कम्फर्टेबली लगेज को इंस्टॉल कर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। लाइट देखने को मिल जाएगी, हुक देखने को मिल जाएगा कैरी बैग को होल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पर पैड है, इसको उठाएंगे स्पेयर व्हील विथ टूट किट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा आपको लगेज देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। एंड ये पार्सल ट्रे यूज़ की गई, यहाँ पे भी आप छोटा मोटा सा सामान रख सकते हैं। तो चलिए अब डोर को करते हैं क्लोज, बढ़ते हैं अदर स्पेसिफिकेशंस की कार की। सो कुछ इस प्रकार का है पूरा रियर का प्रोफाइल, जो कि पर्सनली मुझे भी अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा जरूर। चलिए फिर चलते हैं इस कार के सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस कार का एक शोरूम प्राइस बता दूं, जो कि है 7,86,500 रुपए के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनरोड प्राइस है लखनऊ का वो है 9,10,000 रुपए के अप्रॉक्स में। एंड जो रूफ के ऊपर आप देख रहे होंगे एक्सेसरीज का पार्ट है लगेज इंस्टॉलर, उसकी कीमत जो है वो है 12,000 से 13,000 रुपए के अप्रॉक्स में, जिसके अंदर आपको ये फिटेड कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 40 लीटर पेट्रोल के साथ में। तो दोनों साइड का आपको सेम ही लुक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड रो केबिन की तरफ और ओपन करते हैं डोर को, एंड देख लेते हैं कि डोर पर आपको डोर ट्रिम कैसा देखने को मिल जाता है। एंड डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है, जो कि यूज़ किया गया है हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में, टेक्चरेटेड है। एंड यहाँ पर आपको डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा मैनुअली वाला, नीचे सिल्वर डोर हैंडल्स हैं। एंड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, फैब्रिक वाला आर्मरेस्ट के साथ में आता है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। एंड ये पूरी आपको रेड फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, पावर विंडो का कंट्रोल, ग्रिपर देखने को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो डोर ट्रिम है वो बहुत ही प्रीमियम से आपको देखने को मिलेगी। एंड अब चलते हैं सेकंड रो केबिन की तरफ, तो सेकंड रो केबिन कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें सीट की तो यहाँ पे भी आपको सीट बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी। सेकंड रो में जाने से पहले आपको मैं दिखा दूँ, नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, जिसपे निशान की बैजिंग यूज़ की गई है लाइटिंग के साथ में। एंड अब चलते हैं सेकंड रो केबिन की तरफ। सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री वाली सीट देखने को मिल जाती है, डुअल टोन फिनिशिंग में आती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम सी है। सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स यूज़ की गई हैं पैसेंजर के लिए। एंड जो थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बूस्टर्स आप देख सकते हैं, साइड में भी बूस्टर्स हैं, सीट बेल्ट, बैक रेस्ट अच्छा खासा है, एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी सीट है। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, डुअल कप होल्डर के साथ में है, एंड मोबाइल होल्डर भी यूज़ किया गया है। पैसेंजर बहुत ही कंफर्टेबली बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। डोर ट्रिम सेम है, हैंड ग्रिपर देखने को मिल जाएगा सेकंड रो में पैसेंजर के लिए, एंड रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है सेकंड रो के लिए। लेग स्पेस की बात करें तो वो भी आपको अच्छा खासा सा देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को एक बार बैठ के दिखा देता हूँ, कम्फर्टेबली मैं बैठूँगा तो आप देख ही सकते हैं। एंड ये देखिए, मैं आपको हाथ लगा के दिखा देता हूँ, पूरा अच्छा खासा स्पेस है, कम्फर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी लेग स्पेस को लेकर। एंड नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड रो के लिए बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड एक बार मैं फ्रंट रो केबिन दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है प्रीमियम सा, जो कि आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर उतरते हैं कार के बाहर एंड चलते हैं फ्रंट रो केबिन की तरफ और देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो डोर को करते हैं क्लोज एंड ओपन करते हैं ड्राइवर साइड वाले डोर को, जहाँ पर आपको की का प्लेसमेंट एंड बटन का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, इसको प्रेस करके आप डोर को ओपन कर सकते हैं। तो डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड डोर ये भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, पूरे सेम डोर ट्रिम के साथ में आता है, यहाँ पे भी आपको हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, टेक्चरेटेड डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे आपको फैब्रिक वाला सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम सा आर्मरेस्ट के साथ में, एंड पूरी रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है, प्रीमियम सी हैंड ग्रिपर है, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, ORVM के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर साइड सिल्वर में डोर हैंडल्स हैं, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर का स्पेस, पेपर होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डोर ट्रिम बहुत ही अच्छी है। एंड अब चलते हैं फ्रंट रो केबिन की तरफ, तो कुछ ऐसा आपको पूरा फ्रंट रो केबिन देखने को मिलता है प्रीमियम सा। सीट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ही सीट देखने को मिल जाएगी, जो कि आती है ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में,
बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है। ड्राइवर साइड भी आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। साइड के बूस्टर्स बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल हैं, बैकरेस्ट भी अच्छा खासा है। एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। नीचे लीवर्स हैं जिससे आप सीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड फ्रंट में रोलर देखने को मिल जाएगा जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। फ्यूल टैंक ओपन करने का लीवर देखने को मिलता है नीचे साइड में। ABC पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ऊपर साइड देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। एंड ये AC वेंट आपको देखने को मिलते हैं, सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आते हैं। ओवरऑल डुअल ट्रिम सीट कंफर्ट आपको बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं फ्रंट ऑफ केबिन की तरफ अंदर। फ्रंट ऑफ केबिन के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर निशान की बैजिंग यूज़ की गई, बहुत ही प्रीमियम सी है, लाइटिंग के साथ में आती है। तो फाइनली अब बैठते हैं कार के अंदर एंड वन बाय वन करके फ्रंट ऑफ केबिन के सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। डोर को करते हैं क्लोज। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूं जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, प्रीमियम सा। एंड बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है जो कि नॉन लेदर रैप्ड है। अच्छी खासी आपको ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगी, कंफर्टेबली ग्रिप कर सकते हैं। नीचे आपको थोड़ा सा फ्लैट बॉटम एरिया देखने को मिलेगा, निसान का लोगो है एंड ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है सराउंडिंग में यूज़ की गई है इस स्टीयरिंग व्हील के, जो कि बहुत ही प्रीमियम सी लगती है। लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक कंट्रोल टेलीकॉलिंग के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड में MID के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में वाइपर के पूरे कंट्रोल्स हैं। राइट साइड में देखेंगे इंडिकेटर, हेडलाइट के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अब चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील कैसे देखने को मिलती है। तो पहले मैं कर देता हूं अनलॉक एंड यहां पर आपको केवल टिल्ट का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। तो फिर से मैं लॉक कर देता हूं स्टीयरिंग व्हील को। एंड बात कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है जो कि डिजिटल है एंड बहुत ही प्रीमियम सा है, जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड ये कार स्टार्ट स्टॉप बटन के माध्यम से स्टार्ट हो जाती है, तो पहले मैं स्टार्ट स्टॉप बटन से स्टार्ट करता हूं कार को, उसके बाद आपको पूरा दिखाता हूं। तो कुछ इस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये पूरा कलर TFT डिस्प्ले यूज़ किया गया है। एंड अगर राइट साइड में देखेंगे तो फ्यूल इग्निशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ टच करके, ऐसा कुछ फ्यूल इग्निशन है। मिडल में आपको पूरा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एंड लेफ्ट साइड में टेम्परेचर इग्निशन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले पर ही आपको डिजिटल क्लॉक, टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, KM सभी के इग्निशन देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको माउंटिंग के बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये हैं, इनको आप प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जैसे मैं वहां पर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए एनिमेशन के साथ में सब कुछ चेंज होगा। एंड ये देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी आ गया, एनिमेशन के साथ में चेंज हुआ। उसके बाद आपको यहां पर फ्यूल हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, फिर से फ्यूल इकोनॉमी आ गई, फ्यूल हिस्ट्री, एंड इसके बाद ड्राइव कंप्यूटर सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे इसी के अंदर। सब कुछ आप इसी में देख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एंड अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो सेंटर कंसोल दोस्तों आपको बहुत ही प्रीमियम सा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। ऊपर आपको डुअल AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आती ग्लॉसी सी। एंड उसके नीचे आपको टच स्क्रीन वाला पूरा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 4 स्पीकर, डुअल ट्विटर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB ऑक्स, रियर का जो कैमरा है वो, एंड जो कार की व्हीकल इंफॉर्मेशन है वो आप इसी में देख सकते हैं। टेलीकॉलिंग के पूरे कंट्रोल्स देख सकते हैं एंड नेविगेशन भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड जो टच रिस्पॉन्स डिस्प्ले का वो बहुत ही अच्छा है। एंड सभी फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉलिंग के हैं, सेटिंग्स के हैं, अपने हिसाब से ब्लूटूथ को इनेबल कर सकते हैं। एंड ये रियर का जो कैमरा है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के आप सराउंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग यूज़ की गई है, प्रीमियम इसके साथ में आती है। एंड नीचे साइड आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे, हजार लाइट का स्विच यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर आपको AC के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग का भी आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है। अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है मोबाइल होल्डर के साथ में। एंड यहीं पे ऑक्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, यूज़ किया गया है USB के साथ में। एंड बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है, बहुत ही प्रीमियम सा है। सराउंडिंग में आपको यहाँ पर भी रेड फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये रेड एडिशन की है। डुअल कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक देखने को मिलती है। एंड अब देख लेते हैं डैशबोर्ड को, तो डैशबोर्ड भी आपको बहुत ही प्रीमियम सा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर यूज़ किया गया है हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी, टेक्चरेटेड है, जो कि बहुत ही सॉलिड सी है। एंड डिज़ाइन भी देखने को मिल जाती हैं। डैशबोर्ड पर ही आपको ट्विटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट में यूज़ किए गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। को पैसेंजर साइड में आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग है। एंड डैशबोर्ड पर ही आप देखेंगे तो पूरा रेड फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, प्रीमियम सी यूज़ की गई, टेक्चरेटेड है। एंड ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलता है, जो कि लाइटिंग के साथ में आता है। अच्छा खासा स्पेस है, छोटा मोटा आप सामान इसके अंदर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
को पैसेंजर सीट की बात करें तो वो भी आपको पूरी सेम सी देखने को मिल जाएगी। डोर ट्रिम भी आपको सेम देखने को मिलती है, कोई चेंजेस नहीं है डोर ट्रिम में। एंड हैंड ग्रिपर देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड में को पैसेंजर साइड। एंड अब देख लेते हैं इंटीरियर रूफ को, तो यहाँ पर आपको मेनवर एडजस्टमेंट के साथ में डे नाइट वाला IRVM देखने को मिलेगा। रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं डुअल। को पैसेंजर साइड में आपको वैरिटी पैड विथ मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है, एयरबैग की बैजिंग है। एंड ड्राइवर साइड में देख ले तो यहाँ पर आपको केवल वैरिटी पैड विथ मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइटिंग का पॉइंट नहीं है। एंड ड्राइवर साइड में आपको डुअल रूफ माइक भी देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है पूरा फ्रंट रो केबिन, जो कि बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ में आता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है रेड एडिशन वाला। एंड अब मैं आप लोगों को इस कार के सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स बता दूं, तो यहां पर आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, हील होल्ड असिस्ट एंड रियर पार्किंग कैमरा, रियर सेंसर्स के पॉइंट्स जैसे सेफ्टी सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। एंड एशियन NCAP की तरफ से 4-star की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जिससे बहुत ही सेफेस्ट हो जाती है कार। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के फ्रंट में और बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार में आपको 1 liter का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 999 cc के साथ में, जिसकी मैक्स पावर है 72 PS की। एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 96 Nm की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं, जिससे जो माइलेज निकल के आता है वो 19 से 20 KMPL का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें पूरी कार के बारे में, तो कार बहुत ही प्रीमियम सी है, SUV कॉम्पैक्ट के अंदर आती है एंड लोग बहुत ही पसंद करते हैं। एंड इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को सभी फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, बिल्ड क्वालिटी भी आप लोगों को एक नंबर की देखने को मिल जाती है। एंड जो एक्सटीरियर आप देख रहे हैं कितना बोल्ड लुकिंग के साथ में आता है। एंड ये रेड एडिशन है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से लुक्स देखने को मिल जाएंगे साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।